विगत 17-18 दिनों से चल रहा सेवा कार्य जरूरतमंदों की भूख मिटा रहे युवा मदद के लिए आगे आ रहे कई हाथ कोरोना वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। कई लोग इस महामारी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जब कोई भी व्यक्ति ये सुनता है कि वो कोरोना संक्रमित है तो सुनकर ही मायूस और हताश हो जाता है, उसके परिजन भी चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में मरीज के परिजन खाने पीने से भी वंचित रहते हैं। इस मुश्किल घड़ी में आदर्श युवा मंच अध्यक्ष पवन मस्के ने अपनी टीम के साथ एक पहल शुरू की, जिसमें उन्होंने कोरोना ग्रस्त मरीज व उनके परिजनों को फूड पैकेट वितरित करना शुरू किया। शुरुआत उन्होंने 150 से 200 फूड पैकेट से की और आज ये आंकड़ा बढ़ रहा है। यही नहीं, उनके कार्य की सराहना पूरे जिले में और बाहर के लोग भी कर रहे हैं। उनके इस कार्य में उनके सहायता करने हेतु कई लोगों ने हाथ आगे बढ़ाया है, जैसे कि आदर्श युवा मंच अध्यक्ष व समाज सेवक पवन मस्के ने 28 अप्रैल को अपने जन्मदिन के अवसर पर नागरिकों में अंडा बिरयानी वितरित की। इसमें थोक अंडा विक्रेता गणपत ने अपना सहयोग दिखाते हुए इसमें अपना योगदान दिया और ऐसे कई पुलिस अधिकारी भी हैं जो इस पहल से जुड़कर नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। अन्य समाज सेवक भी अपना पूरा समर्थन देते हुए आगे आए हैं और इस छोटे से उपक्रम को बड़े स्तर पर ले जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा रही है। इनका उद्देश्य केवल फूड पैकेट वितरित करना नहीं है, बल्कि मायूस बैठे मरीज के परिजनों की हिम्मत बढ़ाना है, उन्हें हौसला देना है ताकि वो और मरीज दोनों ही मानसिक रूप से मजबूत हो सके। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज समाज सेवक पवन मस्के व उनकी टीम और इस प्रकार की पहल करने वाले सभी लोगों को सलाम करता है और उनकी सराहना करता है। के साथ जुड़े रहने के लिए YouTube, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और Google Play Store से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।